पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इनरविल एशियंस क्लब के द्वारा रामुंगा बिहार स्थित कई ऐसी जगहों पर वृक्षारोपण किया गया जहां पर वृक्षों की संख्या कम पाई गई। इस दौरान 300 से अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण हुआ। क्लब की सदस्याओं ने यही आयोजन एक ही समय पर शहर के चारों दिशाओं में गांधीनगर, पीली कोठी और गौर ग्रेसियस मानसरोवर में निर्धारित समय पर किया गया। आयोजन के अंतर्गत सेल्फी विद प्लांट प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें 100 से अधिक पौधे सदस्याओं ने घरों में लगाए। आयोजन का मुख्य मकसद शहर को हरा भरा रखना था। इसके तहत सदस्याओं ने प्रकृति को सुंदर और सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर क्लब की सदस्याओं में निधि अरोरा, रश्मि दुग्गल, सुनीता कोठीवाल, तृप्ति जैन, पूजा अग्रवाल, रुचि कक्कड़, मिनल, उर्वशी, रश्मि सरन, मोना वाचर, चिताली, मिनी नागर के साथ और भी सदस्याएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बताया गया कि सभी को साफ सफाई और पर्यावरण के प्रति रुचि लेनी चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण मिल सके। इस अवसर पर सभी सदस्याओं ने नीम, पीपल, तुलसी के साथ अन्य पौधे भी लगाए। क्लब मुरादाबाद में आपके प्लांटेशन के तहत प्लांटेशन करने के लिए कि आपके आगे वाली पीढ़ियों को बहुत अच्छे हरे भरे पौधे मिले, ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, यही प्रोग्राम गवर्नमेंट ने जो है यूपी में और भी कई जगहों पे चलाया है। तो हम चाहते हैं कि आगे वाली आने वाली पीढ़ियों को बहुत अच्छे प्लांट्स एंड बहुत अच्छी हवा मिले मुरादाबाद के अंदर। इस तहत हमने आज 300 से भी ज़्यादा पौधे मुरादाबाद में लगाए हैं और सेम टाइम पे हमने शहर के कई कोनों में अलग अलग जगह जो है यही प्लांटेशन अपनी टीमों के अनुसार कराया है। इसके तहत हमने एक सेल्फी कंपटीशन भी करा है, जिससे हमें सुबह से हर घर घर में, समझिए आप, हर घर में एक एक प्लांट कम से कम आज एसेंस व्हील क्लब लगा रहा है। यह हम लोगों की एक संकल्प है आप सबके लिए कि आप भी अपने घर में प्लांट लगाएं और मुरादाबाद को ज़्यादा हरा भरा बनाएं।